Assalamu alaikum, this is Hina Sahar and today I brought new lesson for you about pray. Today I brought a little story in English and I will translate word by word to you. So viewer, if you are new in my channel, kindly subscribe my channel and also press the bell icon so that my every upcoming video can reach you easily. Let's start our story, our lesson. चलें व्यूअर आज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। तो एक छोटी सी मैंने स्टोरी बताई है दुआ के मुतालिक, नमाज के मुतालिक। एक अलग सी मैंने आज डिफरेंट सी आज मैंने आपको लेसन से थोड़ा हट के बताया है, तो चलें पढ़ते हैं और सुनते हैं। वन डे अ यंग बॉय आस्क्ड एन ओल्ड मैन, एक दिन एक जवान लड़के ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, आस्क मतलब पूछना, सर विच इज़ द बेस्ट डे टू प्रे, दुआ करने के लिए नमाज पढ़ने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है। द वाइज ओल्ड मैन रिप्लाइड, एक होशियार बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, वाइज होशियार को कहते हैं, रिप्लाइड जवाब देने को कहते हैं, माई सन मेरे बेटे, द बेस्ट डे टू प्रे इज़ द डे बिफोर यू डाई, इबादत के लिए बेहतरीन दिन वही है जो तुम्हारी मौत से एक दिन पहले का हो। द बॉय वॉज एस्टोनिश, लड़का हैरान हुआ, एंड रिप्लाइड और पूछा, सर हाउ कैन आई नो द डे ऑफ माई डेथ, सर मुझे कैसे पता लगेगा मेरी मौत का दिन कौन सा है। And the old man answer, और बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, No one knows, कोई भी नहीं जानता, the day of his death, उसकी मौत का दिन। That's way, इसीलिए, that's way का मतलब है इसीलिए, we need to pray every day, हमें रोज़ाना दुआ करनी चाहिए, हमें रोज़ाना इबादत करनी चाहिए अल्लाह की। So viewers, मेरी छोटी सी कहानी से मकसद मेरा ये था, नमाज की अहमियत हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना। रोज़ नमाज अदा करें, अल्लाह के आगे सजदा करें, अल्लाह से दुआ करें, हमें नहीं पता कौन सा वक्त हमारी ज़िंदगी का आखिरी वक्त हो, इसीलिए अपनी ज़िंदगी से फ़ायदा लें। सो व्यूअर, आपको मेरी छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। इसके बाद मैंने हर नमाज के मुतालिक, हर नमाज की अहमियत के मुतालिक इंग्लिश में कुछ बयान किए। अगर आपको मेरी वो लेसन चाहिए तो मुझे कमेंट्स में आप लिख के बता सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में वो तमाम नमाज़ों के बारे में इंग्लिश में थोड़ी सी उनकी वजाहत करके बताऊंगी। सो व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टाइम के लिए, अच्छे वक्त के लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए भी, अपने लिए भी। गॉड ब्लेस यू, फिर मिलेंगे नए लेसन के साथ, नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।